डुअल नेचर वाले चैप्टर में हमारा एक एक्सपेरिमेंट, डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो बचा हुआ है, उसको कंप्लीट पहले कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर एटम से मूव कर जाएंगे। डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट समझने से पहले पहले आपको ब्रैग्स इक्वेशन पहले पता होना चाहिए। ब्रैग्स इक्वेशन में बेसिकली एक्सरे का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल लैटिस से हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हम एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक एक्सरे, मतलब यहाँ पे इमेजिन करो कि कोई भी एक क्रिस्टल आपने कंसिडर कर रखा और इस क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स होंगे, तो एटम्स को मिला के बहुत सारे प्लेन्स बन सकते हैं। जैसे आप इमेजिन करो कि यहाँ पे, मतलब जैसे ऐसे इमेजिन करो कि बहुत सारे एटम्स हैं यहाँ पे प्लेस्ड हैं लैटिस में, तो ये यूनिफॉर्म स्पेसिंग वाले भी हो सकते हैं, जहाँ पे मतलब हॉरिजॉन्टली एटम्स के बीच का सेपरेशन एंड वर्टिकली एटम्स के बीच का सेपरेशन आपका सेम हो सकता है। तो उसमें मल्टीपल प्लेन्स आप बना सकते हैं, जैसे ये एक प्लेन बनाया, ये एक प्लेन बनाया, ये एक प्लेन बनाया, ऐसे प्लेन्स हो सकते हैं, या फिर प्लेन्स आपके स्लांट प्लेन्स भी हो सकते हैं, ऐसे प्लेन्स भी हो सकते हैं। तो आप एटम्स को लेके बहुत सारे प्लेन्स भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लेन्स में बेसिकली डिफ्रैक्शन हो सकता है, किसी भी एक प्लेन में आपका डिफ्रैक्शन और बीम हो सकता है। व्हाट इज मेंट बाय डिफ्रैक्शन, कि आप अगर एक्सरेज को अगर इंसिडेंट कराते हो तो एक्सरेज में जहां जहां एटम्स होते हैं वहां पे एटम्स के साइड से बीम जब टकराता है तो फिर वहां से बीम का क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। तो बीम्स का अगर स्कैटरिंग होता है तो मल्टीपल लेवल्स में होता है, जैसे ऊपर का सरफेस का एक एटम्स है तो वहां पे एक स्कैटरिंग होगी, फिर नीचे का एक सरफेस का एक एटम होगा वहां पे स्कैटरिंग होगी, और उसके बाद ये दोनों स्कैटर्ड एक्सरेज जाके वापस से मीट कर सकते हैं किसी दूसरे पॉइंट पे, और अगर ये मीट करेंगे तो उसके बाद फिर उन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ, तो उस केस में सिंस कोहेरेंट सोर्सेज के वेव्स हैं, मतलब एक ही सोर्स से आए हुए हैं तो इसलिए कोहेरेंट सोर्सेज के वेव्स हो गए, और उसके बाद फिर वो आफ्टर स्कैटरिंग वो सुपरपोज कर रहे हैं, तो इसलिए उनके बीच में इंटरफेरेंस का कंडीशन बन सकता है। अगर इंटरफेरेंस का कंडीशन बन रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखा गया है कि जब आप डिफ्रैक्टेड बीम की अगर बात करते हैं, डिफ्रैक्टेड बीम मतलब कि जब वो प्लेन से, मतलब जो लैटिस का एटम्स को लेकर प्लेन बन रहा है, उस प्लेन से जब स्कैटर होकर जाता है, तब उनके सुपरपोजिशन से, सुपरपोजिशन किनका हो रहा है, एक है सुपरफिशियल लेयर से एक तो डिफ्रैक्शन हुआ है, मतलब बेंडिंग हुआ है बैंड रेज का, और फिर इनर लेयर से एक रिफ्रैक्शन माने बेंडिंग हुआ है रेज का, स्कैटरिंग हुआ है, उन दोनों का सुपरपोजिशन से आपका कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस बनता है। और अगर आप कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस देखोगे तो उन दोनों रेज के बीच में अगर पाथ डिफरेंस किसी तरह से आप कैलकुलेट कर पाते हो, और वो पाथ डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा जाता है, तो फिर उस केस में क्या होगा, वहां पे इंटेंसिटी आप सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन है। दिस इज सिमिलर टू नॉट एक्जैक्टली सेम बट सिमिलर टू थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म में हम क्या करते थे, एक एयर, फिर सॉफ्ट फिल्म, फिर एयर, ऐसा तीन लेयर कंसिडर करते थे, एंड उसके बाद फिर कोई भी रे को इंसिडेंट कराते थे, तो पहले तो एक पार्ट क्या होता था, उसका रिफ्लेक्ट कर जाता था, दूसरा पार्ट एंटर करता था, फिर सॉफ्ट फिल्म और एयर के इंटरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन होता था। सो दो रिफ्लेक्टेड बीम के बीच में हम क्या करते थे, सुपरपोजिशन कंसिडर करके फिर वहां पे देखते थे कि किस कलर के लिए हमें यू नो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही है, उसकी ब्राइटनेस वहां पे ज्यादा होती थी, जिसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी तो वहां पे हम कहते थे कि वो कलर मिसिंग होगा। तो वो चीजें आपने पढ़ रखी है, तो उसी चीज को बेसिकली हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन में। एक्सरेज को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, एंड फिर उनका डिफ्रैक्शन के बाद हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के हम बेसिकली पाथ डिफरेंस को इक्वल टू एन लैम्डा करके किस किस पोजिशन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डिफ्रैक्शन जब हम कंसिडर करते हैं, तो डिफ्रैक्शन में जो वेवलेंथ ऑफ रेज होना चाहिए वो आपका एटम्स के बीच का जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन है उस ऑर्डर का होना चाहिए। तो अगर अगर यहाँ पे एटम्स के बीच की जो सेपरेशन होती है वो फ्यू एंगस्ट्रॉम ही होती है, मतलब जैसे 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम, उस ऑर्डर में दिखेगा आपको। तो इसीलिए जब आप वेवलेंथ भी लोगे तो वेवलेंथ भी उसी ऑर्डर का होना चाहिए। तो वेवलेंथ अगर 2-4 एंगस्ट्रॉम का अगर आप ले रहे हैं, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो, एक्सरेज का जो वेवलेंथ होता है वो आपका 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। इसका मतलब ये जो 2-3 एंगस्ट्रॉम का सेपरेशन है एटम्स के बीच का, उस ऑर्डर का अगर हम वेवलेंथ कंसिडर करते हैं, उस ऑर्डर का अगर वेवलेंथ कंसिडर करते हैं, तो ऑब्वियसली एक्सरेज ही उसमें फॉल करेगा। इसलिए एक्सरे के साथ यू नो डिफ्रैक्शन में आपको मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन दिख सकता है, बट बाकी किसी रेडिएशन के साथ अगर आप बात करते हैं, जैसे विजिबल रेडिएशन आपने डाला और आप सोचो कि विजिबल रेडिएशन के साथ आपको डिफ्रैक्शन का फेनोमेना दिखेगा, मतलब लैटिस से, तो वो आपको नहीं दिखने वाला है। तो अब इसके आगे मैं प्रोसीड करता हूँ, जस्ट कंडीशन देखो कि कैसे आता है। बहुत लोगों को पता भी होगा केमिस्ट्री में, क्योंकि आप ये पढ़ते भी हैं, आपको पता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आई गेस, तो ब्रैग्स इक्वेशन क्या आपको पता है, पता है क्या आपको, n λ = 2d sin θ। गुड, n λ = 2d sin θ। तो अब ये कैसे आता है उसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो हाउ डू यू नो सी दिस, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, एक ऊपर वाले प्लेन से मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर वाले प्लेन से रेज का स्कैटरिंग हो रहा है, एंड एक नीचे वाले प्लेन से होगा, पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा है,
ये देख, ठीक है, इसमें जो रेज जो है वो जो प्लेन ऑफ एटम्स जिससे के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, ये वाली एंगल को, दिस एंगल इज कॉल्ड एज ग्लांसिंग एंगल, इसको थीटा कह रहे हैं। ये वो प्लेन है जिससे आपका डिफ्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। सो दीज आर प्लेन ऑफ लैटिस, प्लेन ऑफ लैटिस फ्रॉम विच डिफ्रैक्शन इज कंसिडर्ड, फ्रॉम विच डिफ्रैक्शन इज कंसिडर्ड, ठीक है। ये आपका वही प्लेन है एंड इसमें ये दोनों प्लेन के बीच की जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन हैज टू बी डी, जिस प्लेन से, जिस दो प्लेन से आप डिफ्रैक्शन कंसिडर करें उनके बीच का सेपरेशन आपका डी होना चाहिए। और ये जो थीटा हमने मेंशन कर रखा, दिस थीटा इज बेसिकली ग्लांसिंग एंगल, थीटा को हम ग्लांसिंग एंगल कहते हैं, थीटा इज ग्लांसिंग एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल हमेशा आपको प्लेन से ही लेना है, ठीक है। अब देखो इसी इस पार्ट का डायग्राम, ये जो डायग्राम है इसी को मैंने जूम करके यहाँ पे दिखा रखा है, आपको समझ आ रही है डायग्राम, ठीक है। यही पार्ट का डायग्राम वो वहां पे है। अब इसे पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये दोनों वेव्स है, ये दोनों वेव्स जो है यही दोनों सुपरपोज करेंगे, ठीक है। और इन्हीं के बारे में आपको सोचना है कि इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमा किस एंगल के लिए मिलेगी, आपको ये फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका पाथ डिफरेंस पहले निकालना पड़ेगा। पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे, आप देखो यहाँ पे आपको पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा इसके ऊपर। सो आई एम ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर एंड आई एम ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, ये देखो। अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ जो है, एक्स्ट्रा पाथ लेंथ वो ये वाला, दिस पाथ इज एक्स्ट्रा एंड दिस पाथ इज एक्स्ट्रा, वो दिख रही है सबको, दिख रही है, बाकी पार्ट कॉमन है, ठीक है ना। तो वो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे चेक करो, सिंस वी ऑलरेडी नो दैट दिस पर्टिकुलर एंगल इज थीटा, सो ये वाली अभी एंगल देखो तो थीटा हो जाएगी, चेक करो तो थीटा होगी क्या, ये होगी, yes, sir. ठीक है। अब ये वाला लेंथ देखो, दिस लेंथ इज थीटा डी एंड दिस एंगल इज थीटा, सो इस तरफ जब आप कॉम्पोनेंट निकालोगे तो डी कॉस थीटा आएगा और इस तरफ कॉम्पोनेंट निकालोगे क्या डी साइन थीटा आएगा ना, हाँ सर आएगा। तो यहाँ से भी हमें पाथ डिफरेंस कितनी दिख जाएगी, सो दिस लेंथ ओवर हियर इज डी साइन थीटा, एंड सिमिलर तरीके से दूसरी तरफ से भी अगर आप निकालोगे, इस तरफ से भी अगर निकालोगे, sorry, ये वाले तरफ से भी, so this will also be d sin theta. तो by condition for maximum intensity in diffracted beam condition क्या लगाओगे आप, path difference should be n times of lambda, and path difference यहाँ पे कितनी आई है 2d sin theta, तो 2d sin theta has to be equal to n lambda, this is the condition। तो इसे क्लियरली देखो आपको पता चलेगा कि ये d जिस order का होना चाहिए, ये lambda को भी क्या होना चाहिए, उसी order का तो होना चाहिए ना, है या नहीं है, are you understanding? ये D का जो ऑर्डर होगा इस लैम्डा का भी वही ऑर्डर होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि जो इंटरएटॉमिक सेपरेशन जो होगी क्रिस्टल में, उसी सेपरेशन के ऑर्डर में ही आपको वेवलेंथ चूज करना पड़ता है। इसीलिए आप विजिबल रेडिएशन के साथ आप ये मतलब ब्रैग्स इक्वेशन वाला कोई डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट आप नहीं देखोगे करता हुआ, ठीक है, समझ आएगी आपको, क्योंकि यही पार्ट को हम आगे यूज करने वाले हैं। तो ये जैसे इसमें हमने क्या किया है, इसमें एक्चुअली हमने रेडिएशन को ही यूज किया, रेडिएशन का डिफ्रैक्शन कंसिडर किया है, तो उसमें कोई अस्टोनिशिंग बात नहीं है, क्योंकि रेडिएशन तो यू नो वेव कैरेक्टर है उसके पास, तो हमको पता है कि वो आराम से डिफ्रैक्ट कर सकता है। बट यही चीज अगर कोई बोले आपको, यही चीज अगर कोई बोले कि अगर हम पार्टिकल के साथ भी डिफ्रैक्शन करवा सकते हैं इस तरीके से, पार्टिकल के साथ डिफ्रैक्शन करवा सकते हैं, मतलब आप इमेजिन करो कि कोई एक ऐसा पार्टिकल अगर मैं इस क्रिस्टल में अगर इंसिडेंट कराऊं और उस वो भी अगर डिफ्रैक्ट करके हमको कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दे सके, तो ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि पार्टिकल के पास भी क्या है, वेव कैरेक्टर होता है। तो उसके लिए वापस से वही सोच चला, दे स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट ऑर्डर ओनली, कि हमको इंटर एटॉमिक सेपरेशन का जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर का वेवलेंथ भी चाहिए, राइट, है ना। तो वो वेवलेंथ अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए, सपोजली एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कंसिडर करें, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको वेवलेंथ का तो फॉर्मूला पता होगा, मैंने आपको शॉर्टकट एक बताया था, याद है आपको, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, इन एंगस्ट्रॉम इज रूट अंडर 150 एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल या एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते थे, याद है आपको, अरे अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल सोचो फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 10 के ऑर्डर में आ जाए, जैसे 50 60 इस ऑर्डर में अगर आ जाए,
तो 50-60 से अगर डिवाइड करोगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे वो रूट अंडर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3 आ जाएगा। जैसे 50 से अगर डिवाइड कर दिया तो रूट अंडर 3 आ जाएगा, एंड रूट अंडर 3 आने का मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 1.73 के आसपास आ गई, राइट, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप ये क्लियरली देख सकते हो कि हम अगर इलेक्ट्रॉन को 50-60 वोल्ट से अगर एक्सेलरेट करा के अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे भी आप कहीं ना कहीं आप जरूर डिफ्रैक्शन के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये सोच चला पहले, और सोच चलने के बाद फिर एक्सपेरिमेंट्स यही परफॉर्म किया गया, एंड इसी एक्सपेरिमेंट का नाम है बेसिकली डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये सेटअप जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, ये सेटअप बेसिकली डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट का ही है। पहले मैं आपको ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझा देता हूं, उसके बाद फिर आपको मैथमेटिकल एनालिसिस पे लेके चला जाऊंगा। सबसे पहला चीज यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे एक सर्किट दिखेगा, यहाँ पे देखो एक सर्किट है, ये देखो एक सर्किट है, दिख रही है आपको, ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है। यहाँ पे एक लो वोल्टेज सप्लाई है, लो वोल्टेज सप्लाई करने का मतलब है कि जैसे यू नो बस मुझे यहाँ पे इसमें टंगस्टन के फिलामेंट के थ्रू बस यहाँ पे करंट पास करानी है, और टंगस्टन में मतलब टंगस्टन का वायर इसलिए यूज करें क्योंकि जो बल्ब में भी जो फिलामेंट होती है वो भी टंगस्टन की होती है, तो उसमें क्या होता है हीटिंग इफेक्ट की वजह से तुरंत से ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होकर वो क्या होते हैं बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं हीटिंग इफेक्ट की वजह से, जो थर्मियोनिक एमिशन आपने पढ़ा है। तो थर्मियोनिक एमिशन यहाँ से इजिली होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से थर्मियॉन्स बेसिकली बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, मतलब यहाँ से ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे बाहर निकलते हुए दिखेंगे। Obviously, इसकी एनर्जी काफी कम होगी। फिर हम क्या करते हैं, इसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे एक हाई पावर सोर्स का वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे देखो ये है एक हाई वोल्टेज सप्लाई है, देखो इसका लोअर एंड यहाँ पे, लोअर पोटेंशियल यहाँ पे और ये हायर पोटेंशियल इस तरफ है। अगर आप देखोगे तो ये इस कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली एक हायर पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा इधर से अट्रैक्टेड होगा इधर से, तो ये एक्सेलरेट करके इधर से इधर भागेगा, और फिर यहाँ आने के बाद फिर उसके पास एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे ये हाई वोल्टेज सप्लाई जो हमने चूज किया था ये 54 वोल्ट का चूज किया था, दिस वॉज चोजन एज 54 वोल्ट, ठीक है, ये 54 वोल्ट से उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा के भेजा गया था। और यहाँ पे एक छोटा सा विंडो है, यहाँ पे एक छोटा सा विंडो है जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकते हैं, जो कोलिमिटिंग शीट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो ऑलमोस्ट उस तरह का सेटअप है यहाँ पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एक फाइन बीम में ही जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब अगर इधर से जाएगा तो इधर पे एक यहाँ पे बड़ा सा स्क्रीन होगा जहां से वो रुक जाएगा, तो नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा होल बना रखा है, इस होल के थ्रू ही जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पास कर पाएंगे, बट बाकी वाले सारे जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। इधर वाला इलेक्ट्रॉन ब्लॉक हो जाएगा, इधर वाला ब्लॉक हो जाएगा, इधर वाला ब्लॉक हो जाएगा, इधर वाला ब्लॉक हो जाएगा, बट जो इस लाइन में ट्रैवल कर रहा होगा, इस लाइन में ट्रैवल कर रहा होगा वही वाला बाहर निकल पाएगा। समझ आ रही है आपको, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इंसिडेंट होने दिया, ये हमारा निकल का टारगेट है, निकल का टारगेट मतलब यही इसी के थ्रू हम डिफ्रैक्शन करवाने वाले हैं, ठीक है, इसमें डिफ्रैक्शन होने वाला है। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूअसली आके स्ट्राइक कर रहे होंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगे स्कैटर होंगे, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर होंगे। ये आपको समझ आ रही है आपको, डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लगातार आके स्ट्राइक कर रहे हैं एंड डिफरेंट एंगल्स पे स्ट्राइक कर रहे होंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या होगा वो डिफरेंट डायरेक्शंस में उसका स्कैटरिंग होगा। अब यहां पे हमने क्या कर रखा है, एक डिटेक्टर लगा रखा है। ये डिटेक्टर का काम क्या है, वो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी कहां पे सबसे ज्यादा है उसको मेजर कर पाएगा। वो इधर से इधर घूम सकता है, सर्कुलर स्केल में घूम सकता है। यहाँ पे ये तो एक देखो, यहाँ पे दिखेगा, ये देखो एक आर्म लगा हुआ है, तो इस आर्म को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो जब ये इधर से इधर पहुंच जाएगा या यहाँ पे पहुंच जाएगा ऐसे, तो फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ स्ट्राइक करेगा उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर सकता है। फिर जब ये घूम के इधर पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा होगा तो उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर पाएगा। आपको बात समझ आ रही है आप सभी को? तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखा, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो ये था कि जब हम 50 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल चूज कर रहे थे, स्कैटरिंग एंगल मतलब कि इंसिडेंट लाइट एंड डिफ्रैक्टेड लाइट के बीच में जो एंगल होता है उसको हम स्कैटरिंग एंगल कहते हैं, मतलब उतने एंगल से आपका राइट बीम जो है वो स्कैटर कर चुका है। तो वो स्कैटरिंग एंगल के लिए जब स्कैटरिंग एंगल देखा गया 50 डिग्री का आ रहा था, तब जो इंटेंसिटी थी आपकी वो सबसे ज्यादा थी, 50 डिग्री के स्कैटरिंग एंगल के लिए इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिली थी। तो उसके लिए अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार, मैं आपको वो सेटअप ड्रॉ करके एक बार दिखाता हूँ। तो ऐसा कंडीशन मानते हैं, लेट से इधर से हमारी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इन विच इलेक्ट्रॉन बीम इज ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रॉन बीम इस तरफ से आ रही है, ठीक है। ओह, स्क्रीन फ्रीज कर गया। ओके, सो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम मान लो इंसिडेंट करा रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लैटिस का साइड दिखा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे वो एटम है जहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ये बेसिकली इधर से डिफ्रैक्ट किया है। सो
तो दिस एंगल इज बेसिकली 50 डिग्री. ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि 50 डिग्री पे हमें सबसे ज्यादा बेसिकली इंटेंसिटी मिल रही थी. तो डिटेक्टर बेसिकली आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका डिटेक्टर होगा. दिस इज डिटेक्टर. ये डिटेक्टर काम है इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी को बस मेजर करना कि कहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपका स्ट्राइक कर रहा है. सो दिस इज बेसिकली मूवेबल. इसको आप इधर से, इसको आप इस स्केल में यहाँ से यहाँ मूव करा सकते थे. तो जब आप यहाँ पे थे डिटेक्टर को रख रहे थे, तब से आपने इधर से मूव किया, इधर मूव किया, इधर मूव किया, इधर मूव किया, इधर मूव किया, फिर यहाँ पे आप धीरे धीरे मूव कर रहे थे. तो यहाँ पे आपको दिखा कि इंटेंसिटी आपको सबसे ज्यादा मिल रही थी. ठीक है, नाउ आई एक्सप्लेन कि वो 50 डिग्री वाला यू नो जो थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से वो मैच करते हैं या नहीं, पहले वो चेक करेंगे. ठीक है, तो पहले आपको मैं यू नो कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूँ. अगर आप यहाँ पे ये जो ब्रैग्स इक्वेशन देखोगे, तो ये है आपकी इंसिडेंट बीम और ये है आपकी डिफ्रैक्टेड बीम. तो सबसे पहला चीज है कि जो इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड बीम है उसके बाइसेक्ट करता हुआ एक नॉर्मल होना चाहिए, और वो नॉर्मल बेसिकली आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लैटिस होगा. ये समझ आ रहा है आपको, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंसिडेंट बीम, डिफ्रैक्टेड बीम, इन दोनों के बीच में अगर आप एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो जो कि नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल बेसिकली प्लेन ऑफ लैटिस से आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए. ठीक है, इसको यूज करेंगे हम यहाँ पे. ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर ये इंसिडेंट बीम हमने यहाँ पे दिखा रखा है और डिफ्रैक्टेड बीम यहाँ दिखा रखा है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. वी नीड टू ड्रॉ अ बाइसेक्टर वेयर. तो यहाँ पे एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं और इस बाइसेक्टर से अब परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे, इस बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे. ये बाइसेक्टर से पब्लिक लाइंस खींच रहे हैं. तो ये हमारा प्लेन हो गया, प्लेन ऑफ लैटिस, प्लेन ऑफ लैटिस फ्रॉम विच डिफ्रैक्शन विल हैपन. आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई, सबको समझ आई सभी को? यस सर. ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो दूसरा होगा वो इसके प्लेन, सॉरी, जो दूसरा प्लेन होगा वो इसके पैरेलल यहाँ पे खींच दिया मैंने, दूसरा प्लेन इसके पैरेलल खींच दिया. अब एटम्स तो आपके यहाँ पे, दीज आर दी एटम्स. ठीक है, यहाँ पे एटम है. नेसेसरीली यहाँ पे एक और एटम होगा जहाँ पे आपका यू नो रेज डिफ्रैक्ट करके जा रहा होगा. देखो यहाँ से रेज आए होंगे, एंड फिर आपके रेज यहाँ से डिफ्रैक्ट होके गए होंगे. आपको समझ आ रही है डायग्राम कैसा चल रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको ये वाली लेंथ आपको निकल के लिए पता है. दिस लेंथ इज 2.15 एंगस्ट्रॉम. दिस इज अ नोन डेटा. मतलब एटम्स जो है निकल के लिए ये इस पर्टिकुलर सेपरेशन पे हैं. बट डू वी नीड दिस सेपरेशन और अ डिफरेंट सेपरेशन? हमें ये एंगल चाहिए क्या? क्या हमको ये वाली एंगल? नो सर. नहीं, हमको ये वाली सेपरेशन तो चाहिए नहीं. हमको कौन सी सेपरेशन चाहिए होती है? परपेंडिकुलर वाला. हाँ, मतलब जो दो प्लेन से जो डिफ्रैक्शन हो रही है उनके बीच का एंगल चाहिए होता है, सेपरेशन चाहिए होता है ना, राइट? सो वी नीड दिस सेपरेशन, वी नीड दिस सेपरेशन. ये वाली सेपरेशन देखो हमको चाहिए. तो इस सेपरेशन को मैं यहाँ पे डी मार्क कर रहा हूँ. सो दिस डी इज नॉट सेम एज 2.15 एंगस्ट्रॉम. ये चीज का ध्यान रखिएगा. बुक्स में कहीं पे भी ये डिस्कशन में आपको दिखेगा नहीं. सो दिस इज मिसलीडिंग थिंग जो कि आपको बुक में नहीं समझ आएगा. तो दिस डी इज नॉट सेम एज 2.15 एंगस्ट्रॉम, ये चीज का ध्यान रखिएगा. अब ये डी को कैलकुलेट कैसे करें, ज्योमेट्रिकली कैसे कैलकुलेट करें, बस इसको देखो आप यहाँ पे. अभी चेक करो कि कुछ एंगल्स में मार्क कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो कि आप इस कन्विंस्ड है या नहीं. दिस एंगल विल बी 25 डिग्री, करेक्ट? ओके, सो दिस एंगल विल बी 65 डिग्री, करेक्ट? करेक्ट. हाँ सर. तो हमारा जो ग्लांसिंग एंगल है कितना हो गया? 65 डिग्री. ग्लांसिंग एंगल थीटा इज 65 डिग्री. समझ आ गई सबको? हाँ सर. ठीक है, ओके. ये वाली एंगल अगर 65 है तो पक्का है ये वाली एंगल भी आपकी 65 होगी. और ये, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, ओहो, ये वाली एंगल हो जाएगी आपकी 25, तो ये वाली एंगल भी हो जाएगी 25. सही है क्या? देखो तो. हाँ सर. ठीक है, तो देखो तो आपको डी मिल गया क्या? डी विल बी 2.15 into sine of 25 degree. सही कह रहा हूँ क्या? Yes sir. Right? ये angstrom में obviously. This is in angstrom. ठीक है? आपको ये मिल चुका है. अब तो आप directly formula लगा सकते हैं, है ना? लगा सकते हैं.
So from diffraction ka result, therefore, from Bragg's equation, condition kya likhenge aap? 2D into sine theta. Sine theta mein aapka kaun sa aayega? 65 degree aayega na? And that is equal to kya likhenge? N lambda. Correct hai? Achha. Correct hai. और देखा गया कि जब आप एंगल को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे थे, मतलब ये जो एंगल इंसिडेंट बीम और ये इंसिडेंट बीम था आपका, और इधर से आपका ये स्कैटर होके जा रहा है, तो ये वाली एंगल आप ग्रेजुअली जीरो से आप बढ़ाया, आपने जीरो से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया, और आपने देखा कि पहली बार जो आपको मैक्सिमम मिल रहा था वो 50 डिग्री पे ही मिल रहा था, ये 50 डिग्री पे ही जाके आपको सबसे पहली बार मैक्सिमम मिला। तो अगर पहली बार ये मैक्सिमम मिल रहा है तो एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। समझ आ रही है आपको? तो ये n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करके ही हम आंसर निकालेंगे, समझ आ रही है? ठीक है, सो ऑन मूविंग द डिटेक्टर ऑन सर्कुलर स्केल द फर्स्ट मैक्सिमा वाज ऑब्जर्व for scattering angle of 50 degree. Therefore, n has to be equal to 1. और जैसे हमने n की वैल्यू 1 डाली, अच्छा ये लैम्डा किसका है? इलेक्ट्रॉन का है ना, सही नहीं है? यहाँ पे याद रखना कि हमने एक्सरे बीम नहीं डाला, हमने यहाँ पे क्या डाला था? इलेक्ट्रॉन का बीम डाला था ना, राइट? इससे देखो हमें लैम्डा की जो वैल्यू मिल रही है, इलेक्ट्रॉन की जो लैम्डा की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है? डी 2 इंटू डी, d की वैल्यू है 2.15 sin 25 डिग्री एंड मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ 65 डिग्री, राइट? है ना, साइन 65 है। अच्छा, एंड साइन 65 को क्या हम cos 25 लिख सकते हैं? यस सर, साइन 65 लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इसको लिख लेते हैं, दिस इज 2.15 इंटू साइन 25 into cos 25 and that becomes 2.15 angstrom into sine of 50 degree. दिख रही है आपको? अच्छा, ठीक है। अब देखो कुछ, मतलब जैसे इसमें कोई अगर 50 डिग्री के साथ ही अगर ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन यूज करना चाहे तो फिर उसके इसमें गलत तरीके से क्या करेगा? डायरेक्टली ही 2.15 को ही सेपरेशन डी की तरह ले लेगा, गलत फॉर्म, मतलब जैसे आप नहीं जानते हैं उसके बाद यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं जानते हैं कि कैसे करना है बट आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर लेते हैं वहां पे 2.15 के साथ साइन 50 को मल्टीप्लाई कर दिया एंड बोला पाथ डिफरेंस यही हो गया एंड इसको लैम्डा से इक्वेट कर दिया, बने बिना सोचे समझे। समझ आ रही है? एक बार जस्ट कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि साइन 50 की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट साइन 50 का वैल्यू। जस्ट ओपन द कैलकुलेटर, आई हैव कैलकुलेटर, यस आई हैव कैलकुलेटर, अरे ये तो एडवर्टाइजमेंट आ रही है। Thank you. Bye-bye. का मुझे साइन चाहिए 0.76 आ रही है, 0.77 है, इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट से चलता है, 0.77 आ रही है। तो इसके लिए हमें करना है, दिस इज 2.15 एंड मल्टीप्लाइड विथ 0.77 आ रही है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली 1.65 आएगा जितना मुझे याद आ रहा है। एक्चुअल डेटा 1.67 का आना चाहिए, इसमें देखते हैं एक बार कितनी आ रही है, 2.15 into 0.77, 1.65 आ रही है। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.65 एंगस्ट्रॉम की आई है। नाउ ये जो 1.65 एंगस्ट्रॉम आई है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है या थियोरेटिकल रिजल्ट है? एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल। मतलब ये कह रहा है कि जो लैम्डा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी जो मैटर वेव की वेवलेंथ है दैट इज 1.65 एंगस्ट्रॉम। नाउ अकॉर्डिंग टू आर डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस, उसके हाइपोथेसिस से भी तो हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? क्योंकि हमने इसको कितने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से एक्सेलरेट कराया था? 54 वोल्ट से 54
और 54 वोल्ट से एक्सेलरेट कराने पे उसकी कितनी एनर्जी होनी चाहिए ये तो हमको पता है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इसके करस्पॉन्डिंग उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, ये वेवलेंथ तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 150 डिवाइडेड बाई 54 करके, और यहां से जो वेवलेंथ आ रही है थियोरेटिकली दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.67 एंगस्ट्रॉम, थियोरेटिकल रिजल्ट इज 1.67 एंगस्ट्रॉम, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इज 1.65 एंगस्ट्रॉम, अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो क्या हमारी थ्योरी सही नहीं है, कर रहे हैं ना, इसी वजह से आपका यहां से इस्टेब्लिश होता है, मतलब थ्योरी तो पहले आ गई थी बट ये थ्योरी को कन्विंसिंगली प्रूफ किया गया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, समझ आ गई सबको, तो मैं जस्ट उसको मेंशन कर देता हूं, सो दिस इज दिस एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1.65 एंगस्ट्रॉम. Now, as per theoretical results, the electron on being accelerated to an accelerating potential. Of 54 volt would have the wavelength lambda e will be root under of 150 divided by energy which is 54 and this is in angstrom aur ye wali value exactly 1.67 angstrom aati hai so therefore since 1.67 angstrom is approximately same as 1.65 angstrom. Thus, experimental. Thus, experimental verification proves that matter has wave character, that's it. Okay, इसमें एक चीज शायद मैं लिखना भूल गया था कि diffraction उसी radiation के साथ होती है जिसकी wavelength equal to one is in order of सेपरेशन बिटवीन द एटम्स होती है ये बस मेंशन कर देता हूं डिफ्रैक्शन फ्रॉम क्रिस्टलाइन प्लेन्स विल हैपन फॉर दोज वेवलेंथ्स those radiations whose wavelength is in the order of separation between the two atoms of crystal. आई होप सबको समझ आ गई है, समझ आ गई ना सबको? Yes, sir. ठीक है.